प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जब प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी तब इसका उद्देश्य गरीब, कमजोर और असहाय किसान जिनके पैसे की कमी के कारण खेतों की सिंचाई और बीज पड़ा पाना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए यह सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन अब इस योजना में भी फर्जीवाड़ा का मामला सामने आने लगा है। गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के मोहब्बतपुर गाँव में ऐसे ही 24 लोग चिन्हित किए गए हैं जो पिछले एक साल से सम्मान निधि का लाभ उठा रहे थे, जबकि उनके नाम से एक धूर जमीन भी नहीं है। शिकायतकर्ता एम खालिद ने 40 लोगों की लिस्ट जिला अधिकारी और कृषि विभाग को सौंपा था और बताया था कि ये सभी लोग अपात्र हैं, जिसमें विभाग ने जब जांच किया तो 24 किसान अपात्र पाए गए। नहीं, कहीं चिन्हित का ये पैसा तो पहले ही बंद हो गया था, जैसे भूलेखांकन हुआ तैसे पैसा बंद हो गया। तो ये कहीं से शिकायत आई कि इस गाँव में तो पहले पैसा बंद, शिकायत आने से पहले ही पैसा बंद हो चुका था। हाँ, रिकवरी के लिए हम लोगों ने ऑर्डर किया कि आप, ये सरकार का धन है, सरकार का पैसा जो आपके खाते में गया है, आप अपात्र हैं, योजना के लिए नहीं है, आपको पैसा वापस करना चाहिए, आप इसको वापस करें। कितने किसान है? ये 24 किसान हैं गांव में जो अनियमित पा रहे थे। इसी के साथ ये भी बताना चाहूँगा मैं आपको कि सरकार ने 3 काम कंपल्सरी कर दिया पीएम किसान के लिए। नंबर 1, भूलेखांकन। अगर भूलेखांकन नहीं है, पीएम किसान के पोर्टल पर भूलेखांकन नहीं है, तो आपको पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा। इसी ढंग से आधार सीडिंग एनपीसीआई, अगर आपका आधार अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। ईकेवाईसी कर दिया, तमाम मृतक हैं, हमारे पास डाटा है, अब पैसा चला गया, कोई बताने नहीं आया तो उनके खाते में पैसा चला गया। इसको अनियमितता को रोकने के लिए फिर सरकार ने उनका ईकेवाईसी कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया कि बिना ईकेवाईसी के पैसा पीएम किसान का नहीं मिलेगा। इसलिए 3 काम, ईकेवाईसी, भूलेखांकन, आधार सीडिंग का काम, मतलब जो अकाउंट से लिंक होगा आधार, उसी खाते में पैसा आएगा, ये 3 काम अनिवार्य है। आपके जनपद में गाजीपुर जिले में 3,89,000 किसान हैं जिनका ये तीनों तरह का डाटा कंप्लीट है। इनका ईकेवाईसी, भूलेखांकन, आधार सीडिंग तीनों काम दुरुस्त है, ये डाटा यहाँ से पेमेंट के लिए जाता है। और इसी के साथ मैं बता दूँ, जनपद में जिनका ईकेवाईसी बाकी है वो 36,088 किसान ऐसे हैं कि जिनका भूलेखांकन तो हुआ है लेकिन इनका ईकेवाईसी नहीं हुआ। इसी प्रकार से 23,000 किसान ऐसे हैं, 23,000 किसान ऐसे जिनका भूलेखांकन तो हुआ है लेकिन इनका आधार से लिंक, मतलब अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, ऐसे किसान हैं जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा। ये इन किसान चाहें तो अपना ईकेवाईसी करके, आधार सीडिंग करके काम कर सकते हैं। और ये सुविधा फरवरी 2019 से पहले जिनके पास जमीन थी या वारिसान उनके नाम खतौनी आ रही है उन्हीं को मिलेगा। 2019 के बाद आप जमीन खरीदते हैं इस योजना के लिए अपात्र। ऐसे में सर अभी जैसे 24 लोग चिन्हित या इस तरह के और लोग भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसे कई किसान हैं। हम लोग वसूली का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनके अनियमित खाते में भुगतान हुआ है, योजना शुरू हुई थी तो कई लोगों के खाते में पैसे चले गए थे, तो हम लोग उनकी वसूली कर रहे हैं, बराबर वसूली आती रहती है। अच्छा, कई लोग हैं स्वेच्छा से भी वसूली दे देते हैं, जिनको जानकारी हो गई, जिनको हमने अवेयर किया तो वो स्वेच्छा से दे देते हैं। कई लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ता है या फोर्सली बात करके भी हम लोग उसको प्राप्त करते हैं। अब तक कितने रिकवरी आपको किया? हम 1 करोड़ से